हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, बुक करता हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी मैं आऊँ तिलक नगर फ्लाईओवर पे। देखो सामने मेट्रो जा रही है, पहली बार रुका हूँ मैं इस वाले फ्लाईओवर पे। और भाई हमारे सामने है तिलक नगर मार्केट। देखो मार्केट दिखाता हूँ आपको। और भाई इतनी रौनक रहती है ना इस वाली मार्केट में, मेरा फ़ोन नहीं गिर रहा, मुझे डर भी लग रहा है। अभी भी देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, और दिवाली के टाइम तो गाइज मेरे साथ भी कोई आया है, मैं उसको शूट नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी अभी मैं भी खड़े के बातें कर रहे थे। और ये देखो भाई, भाई ये सारी ना दशहरे की तैयारियां हैं, ठीक है, दशहरे की और दिवाली। भाई इतनी फेमस मार्केट है ना ये, बहुत तगड़ी, ठीक है, वेस्ट दिल्ली की जान है ये, एक तरह से कह सकते हो तिलक नगर मार्केट। दिवाली पे इतना अच्छा लगेगा ना यहाँ पे। तो भाई अभी यहाँ खड़े थे हम, और अब मैं आपको जा रहा हूँ आगे रावण दिखाने। मैं एक्चुअली रावण दिखने जा रहा था, टैगोर गार्डन में रावण रावणों की तैयारी होती है हर साल दशहरे पे। तो अभी वहीं पे चलते हैं और रावण वगैरह देखते हैं कि भाई बन रहे हैं कैसे कैसे बन रहे हैं ना, क्योंकि टाइम तो मिल नहीं पाता, तो इसलिए मैं शाम को आया हूँ। और भाई बाकी जो मेरी शिफ्ट है ना, ये बड़ी बेकार शिफ्ट है भाई। शाम मतलब नाइट जो शिफ्ट होती है बहुत बेकार होती है। मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर आवाज़ वगैरह कैसी आ रही होगी माइक में। और जो भाई रात वाली जो शिफ्ट होती है ना, बड़ी बेकार होती है। उसके कई कई लोगों को लगता है कि भाई नाइट शिफ्ट बहुत अच्छी होती है ऑफिस के लिए, तो भाई बहुत बेकार होती है, कभी मत करना। नाइट शिफ्ट के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी बहुत होते हैं, नुकसान कई ज़्यादा होते हैं। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास, और आपको मैं स्पेशली दिखाने के लिए आया हूं ये रावण। देखो भाई जैसे ये रावण बन रहे हैं, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक महीने पहले ही, एक डेढ़ महीने पहले यहाँ पर तैयारी की जाती है। और ये देखो ये छाती है रावण की, शायद मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मैं भी यहाँ पर जो भैया बना रहे हैं उनसे बात करूँगा। ये देखो ये सब हाथ हैं रावण के, और ये भी हाथ हैं, और ये छाती आई गेस भाई, छाती ही है ये, है ना। और बाकी और राउंड दिखाता हूँ, देखो रोड के उस पार भी है, और उस पार भी है रोड के वहाँ पे। अच्छा ये क्या है बता दो, मुंडी है। ये मुंडी है इतनी बड़ी? अच्छा अभी तैयार हो जाएगा एक हफ्ते में ये, तो एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। बाकी ये सारे हाथ हैं ना, ये आप ही कहीं आप यहीं बैठते हो क्या? पैर है, ये पैर है हाँ। तो ये सब आपने बनाया? अच्छा बेचते हो ना, कितने के बेचते हो? 25 का बीघा, 30 का बीघा। 25,000 का कितने फुट का है? यह 50 फुट का। 50 फुट का कितने का मिल जाएगा 50 फुट का रावण, अगर किसी को चाहिए हो तो? मिल जाएगा। ये सावर मतलब बिक जाते हैं दशहरा तक, और नहीं बिकते तो पहले बुकिंग हो जाती है। सब बुकिंग के रावण है? अच्छा सब यहीं के बंदे खरीदते हैं आसपास के? आसपास दूर लोग भी जाते हैं। और छोटा रावण किसी को लेना हो, छोटा बना, छोटे भी ले लो बड़े भी ले लो कैसे? अच्छा कितने टाइम में बना दोगे? मतलब बना देंगे 22 तारीख तक। 22 तारीख तक बना दोगे सब फिट करके? मतलब अगर आज कोई ऑर्डर देता है तो कब तक बना दोगे? आज बना देंगे, 2-3 में। 2 दिन में बना दोगे रावण पूरा? पब्लिक है ना, कई सारे हैं। हाँ वो तो है हाँ, बाकी आपके साथ काफी लोग हैं मेरे को पता है। बाकी बम बम भी आप फिट करके देते हो या वो अपने आप खुद? अच्छा ट्रक में लोड करके जो खरीद कर जाएगा वही वही ले जाता है अपने आप। अच्छा और बाकी यहीं पे बनते हैं टैगोर गार्डन में या कहीं और भी बनते हैं रावण? बहुत जगह बने हैं हाँ, यहाँ पूरे रोड पे बनते हैं तो मुझे पता है। यहाँ तो बना है, फिर वहाँ बना है और बेरी बाग में। अच्छा अच्छा इधर बना है और? अच्छा अच्छा बड़ा मंडी कई कई जगह बने। तो आपकी पूरी फैमिली रावण ही बनाती होगी है ना? सही कमाई हो जाती है रावण वगैरह की? बढ़िया है ना, बढ़िया। अच्छा लगा अंकल से, थैंक यू अंकल बताने के लिए। तो भाई बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आगे मुंडी बन रही है, ये पूरी मुंडी है। और भाई वो भी मुंडी है जिसको मैं छाती समझ रहा था इतनी बड़ी, और ये भी मुंडी है। देखो ये रावण की ठोड़ी है, पर मेरी गलियों में भी रावण बनता है, बट भाई वो प्रोफेशनल नहीं है, ये भाई लोग एकदम प्रोफेशनल हैं। हर साल यहाँ पर रावण बनते हैं भाई, सबसे बड़ी दिल्ली की सबसे बड़ी भाई मतलब क्या बोलूँ, यही है जो है मार्केट, यहाँ पे भाई रावण ही रावण बनते हैं, हर साल रावण बनते हैं, बढ़िया बढ़िया रावण एक से एक। भाई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे तो रावण लेने के लिए, यहाँ पे वीडियो बनाने भी लोग आते हैं दूर दूर से, और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। देखो भाई ज़ोरों शोरों से दशहरे की तैयारी चल रही है, मतलब कहने का मतलब ये है 1.5 महीने पहले से पूरी तैयारी चलने लग जाती है। देखो ये बन रही है भाई, आँख बन रही है मेरे हिसाब से। भैया क्या बन रही है, रावण की आँख बन रही है? आँख आँख बन रही है भाई, ये सब आप ही ने बनाई है भाई? बहुत
भाई देख कितने बड़े बड़े गोले बन रहे हैं यहाँ पे, ये सारी मुंडी है, तुम सुन कितनी मुंडी होगी भाई। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये जो दिन आते हैं ना, मतलब दशहरे के जो दिन आते हैं, जो नवरात्रों के दिन होते हैं, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये त्यौहार, ये दिवाली, दशहरा और नवरात्रि होते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। इन दिनों ना जो रौनक होती है ना, रातों को हम जाते हैं घूमने मंदिर वगैरह सब जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो बीच रोड पे भी रावण की मुंडी वगैरह मतलब ढांचे रखे हैं, देख रहे हैं देखो भाई, ये सब यहाँ पे तैयारी हो रही है। ये पूरा जो तिलक नगर से लेके टैगोर गार्डन तक पे फ्लाईओवर के नीचे भाई रावण ही रावण तैयार किए जाते हैं। और ये अंकल जी अगर इनसे बात हो पाती है तो अभी करते हैं। और ये देखो भाई ये मुंडी है रावण की, एक ये मुंडी है, और यहाँ पे बांस ये यूज़ करते हैं। और भाई यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा इनका रावण बनाते हैं, मतलब इनके छोटे छोटे बच्चे रावण तक बनाते हैं। और ये देखो ये सबसे पहले मुंडी ही तैयार करके रखते हैं, क्योंकि भाई मुंडी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो छाती और नीचे का जो घाघरा होता है उसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं मेरे हिसाब से। और भाई ये तो वैसे भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, मतलब ये परफेक्ट हैं, बड़ी जल्दी रावण बना देते हैं। ये सब ना मुकुट हैं, देखो मुकुट दिख रहा होगा आपको, सब सर के ऊपर के मुकुट हैं, ऊपर जो होता है ना ताज, और ये हाथ है। तो भाई अगर किसी को भी रावण चाहिए ना तो आ जाओ यहाँ पे, बात कर लो भैया से अंकल से। ये देखो ये है देखो मेन रावण ना, देखो ये है मुंडी। तो भाई देखो मुंडी ना पूरी तैयार होने के बाद ऐसी लगती है, इतना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार। बट यार ये देखो भाई अंकल लोगों का तो काम है, देखो भाई बहुत मेहनत लगती है भाई एक रावण बनाने में, ठीक है। ये देखो अलग अलग तरह की मुंडी, सबका ना मतलब सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम मिलेगा, मूँछों का साइज़, आँखों का साइज़ और नीचे ठोड़ी वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि उसका अलग इसका अलग, मतलब दाद देनी पड़ेगी भाई, ये जो टैलेंट है ना इनके अंदर। ये देखो भाई, और यहाँ पे ना किसी भी तरह की मुंडी बनवा लो, दस सर वाली मुंडी बनवा लो, है ना, कैसा भी कुछ बनवा लो, बहुत बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं। देखो कितने बड़े बड़े गोले बना रहे हैं भाई। और अभी बात करते हैं अंकल से, अगर वो पाते हैं तो भाई पहले बुक करवाना पड़ता है, बना बनाया नहीं मिलेगा। अच्छा तो ये सारे बुकिंग के रावण हैं, ये सब आप ही का ही अलग अलग बंदों के हैं सब, एक वहाँ से लेके यहाँ तक आप ही का है। कितना टाइम लग जाता है एक रावण को तैयार करने में? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन एक रावण को तैयार करने में। के नीचे का वो सब कब बनेगा सामान, जो होता है घाघरा और सब बनेगा, सब बनेगा वो, मतलब अभी तो टाइम है ना, एक महीना है पूरा। नहीं एक महीना कहाँ है, आज 1 तारीख हो गई, 24 तारीख को दशहरा है, तो कब तक तैयार हो जाएगा, मतलब देखने को कब तक मिल जाएगा यहाँ पे? 15 तारीख को। 15 तारीख को पूरा देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर किसी को छोटा रावण चाहिए हो तो कितने तक का मिल जाएगा छोटा रावण, कितने तक का मिल जाएगा कम से कम रेट? 1000 रुपये का भी होगा, 1000 से लेके स्टार्टिंग हो जाती है, और कहाँ तक जाता है लास्ट रेट? 25,000 तक लास्ट। अच्छा 10 फुट का होता है लास्ट, या कितने फुट का होता है बड़ा रावण सबसे? 50 फीट का रावण होता है। आपका नाम भैया? कृष्णनंदन। ये आप ही हैं या फिर कौन है? ये वो हैं, ये वो अंकल जी हैं भाई, इनकी फ़ोटो लगी है यहाँ पे, और ये टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन है वो देखो, ठीक है। अगर किसी को भी भाई यहाँ पे रावण बनवाना है ना, मतलब किसी को भी रावण चाहिए तो भाई यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर लो, मेरे को नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो और मैं बाकी भैया फ़िलहाल भैया से बात कर लेता हूँ, बाकी जो भी होती है। तो भाई हैट्स ऑफ है भाई, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं देखो। बाकी गाइस हमारे कॉलोनी में भी रावण बनेगा, मैं वो तो आपको दिखाऊंगा ही एकदम, ठीक है, बढ़िया से। बाकी ये भी देख लो, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मतलब मेनली ऑर्डर पे रावण तैयार किए जाते हैं ना, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने आपको दिखाने के लिए कि भाई दशहरे की तैयारी चालू हो रही है। और भाई बेस्ट दिल्ली है ना जो हमारी, जो दिल्ली है ये तिलक नगर और हमारा टैगोर गार्डन राजौरी गार्डन तक, यहाँ से लेके भाई यहाँ पे ना हर दशहरे पे बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साह से दशहरा मनाया जाता है, और मतलब दशहरे की तैयारियां की जाती हैं। और यहाँ पे ना बुकिंग के लिए रावण मतलब बुकिंग करा सकते हो आप, अगर आपको रावण खरीदना बना बनाया तो, बट बिना बम के, बम आप लगा सकते हो रावण को लेने के बाद ना। ये मेरे से काफ़ी बड़ा है भाई, ये मेरे से काफ़ी बड़ा है भैया। आपका नाम? राकेश जी। राजा राजा
आप ही बनाते हो यहाँ पे रावण? आपके लेके कौन से रावण है आपके वाले? यहाँ से वहाँ तक आपके रावण है सारे? आपका कोई नंबर वंबर है? अच्छा वही आप ही का बोर्ड है। चलो मैंने बोर्ड दिखा दिया। और बाकी कितना टाइम लगेगा इस वाली मुंडी को तैयार होने में? इस वाली मुंडी को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कंप्लीट ही है, कागज लगा के। इस वाली मुंडी को खाली बनने में जैसे आप बना रहे हो, मूछे बना रहे हो, एक घंटे में तैयार कर दोगे पूरी मुंडी? और बाकी पूरा रावण तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? पूरा रावण सर से लेके पैर तक, हाथ पैर तक लगा के उनके लग जाते हैं 10 दिन। कितने रावण? 5 और 4। अच्छा 5-4 राउंड 10 दिन में बना दोगे? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी पैर हाथ और मुंडी सबसे पहले बनाई जाती है मेरे हिसाब से, है ना? अगर गाय किसी तरह से ना बिक पाए वो तो क्या करते हैं? ना पाए तो खड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं ऐसी। तो भाई ये तो बड़ी बेकार है। तो कितने सालों से चलता आ रहा है? मैं कितने सालों से देख रहा हूँ? 35 साल तो मेरे को हो गए। 35 साल तो अंकल को हो गए, बताओ। 35 साल तो अंकल को हो। और यहाँ उससे पहले से बनते आ रहे हैं। और यहाँ पे भाई चाहे औरत हो बच्चा हो, यहाँ पे हर कोई मेहनत करते हो, देखा है मैंने, है ना? तो अंकल आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। तो भाई बहुत बढ़िया लगता है भाई जो सपोर्ट करता है ना, ऐसे जो रिस्पॉन्स करता है, बातें करता है। तो भाई ज़रूर मस्त विजिट है, आओ दिल्ली में और देखो भाई कितनी, मतलब चहल पहल है भाई। हमारी दिल्ली ऐसी कोई जगह ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो भाई अभी ना मैं रोड के उस पार आ चुका हूँ, और ये देखो यहाँ पे भी रावणों की कितनी तैयारी की जा रही है। भाई यहाँ पे ना लोग आके रुकते हैं और रावण देखते हैं, रावण के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। मतलब ये देखो ये वाली मुंडी का डिज़ाइन देखो, ऊपर से इस पर जॉइंट ताज बना रहे हैं, मतलब जोरों शोरों से भाई काम किया जाता है। फिर देखो ये सब ना उसके हैं, नीचे का जो होता है धड़ छाती जो होती है, ये उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब गोले वगैरह बना रहे हैं, फिर उसके ही हिसाब से ये वाली मुंडी बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखो ऐसी बनाई है ना, बहुत प्यारे प्यारे रावण होते हैं भाई। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, दिखाता रहूंगा आने वाले व्लॉग्स में कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँची। और देखो ये भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। भाई देख लो कितनी डरावनी लगती है मुंडी, अभी से इतनी डरावनी लगने लग जाती है, बाकी बनने के बाद तो क्या ही लगती होगी। देखो मैं तो हर साल देखता हूँ भाई, हम तो कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ पर रावण बनते हुए। तो भाई इसलिए पूछ रहा हूँ, 2-2.5 बजे तक लास्ट बनाते हो रावण, है ना? यहाँ तो बहुत पब्लिक आती होगी पूछने के लिए, रेट वेट पूछने के लिए। बिकते भी हैं भाई। अगर मतलब मैं पूछ रहा हूँ दशहरा तक अगर ना बिके तो भाई इन रावण का क्या करते हो? कुछ नहीं करते, छोड़ जाते भाई। छोड़ जाते हो ना, ऐसे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं भाई, मैंने ये देखा है। तो भाई यहाँ पे आके ना रावण खरीद लिया करो, बने बनाए रावण खरीदो, क्योंकि भाई ये भाई मेहनत करते हैं, ये भाई यही काम करते हैं। तो भाई मैंने भी देखा है कि रावण सड़ जाते हैं, गल जाते हैं दशहरे के बाद यहाँ बड़े बड़े। तो भाई आके यहाँ पे इंक्वायरी लो भाई, भैया से बताएंगे कि क्या क्या रेट है क्या नहीं है, ठीक है? बाकी भाई भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। और भाई हाथ पैर नहीं बनाए आपने अभी? सब कुछ बना रखा भैया, सब कुछ बना देते हो? सबसे पहले तो मुंडी बनती है, मुंडी हाथ पैर? हाँ कुछ भी बन जाता है भैया, सब छोटा का स्टार्टिंग से ही करते हैं काम तो। हाँ वो तो है भाई। कितने साल से रावण बना रहे हो आप? भाई मेरे को तो 10 साल हो गए, मेरे गुरु जी को हो गए कम से कम 50 साल। आपके गुरु जी कौन है? वो भाई आगे बैठे हैं ठहिए पे। अच्छा आगे बैठे हैं वो, मतलब तो यहाँ पे आप सब काम करते हो? भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, थैंक यू भाई अपना टाइम देने के लिए। ओके भाई, भाई आओ यहाँ पे रावण खरीदो। और बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, बाकी हम यहाँ पे आते रहेंगे भाई रावण को कवर करने के लिए। देखो ठीक है, चलते हैं अब सीधा आगे चल के आपसे बात करते हैं भाई। संडे इतनी देर बाद ऑर्डर आया है देखो, और इतनी देर बाद। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और गाइस वहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। और जैसे ही मतलब रावण तैयार होते रहेंगे ना बाहर, तो मैं उनको भी दिखाता रहूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो, और मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और बस सपोर्ट करते रहो, ठीक है? बाकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे बट आ जाएंगे। और अब मैंने यार डेली व्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो सपोर्ट करो, बस यही बोलूँगा। तो वहाँ पे तो बैटरी डाउन हो गई फ़ोन की, बाकी अब बहुत ज़्यादा मतलब मैं टायर्ड हो रहा हूँ, ऐसे मैंने डेली व्लॉग का वो ले लिया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। तो गाइस सपोर्ट तो बनता है, तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफ़ी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन।